हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बच्चों की टिफ़िन बॉक्स के लिए एक बहुत इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। हम ये गेहूं के आटे से ही बनाएंगे। और देखिए, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसको हम इसका एक आटा लगाएंगे। आप एक इसका सॉफ्ट डो बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आप इसका आटा लगा लीजिए। अब देखिए, हम आटे को अच्छे से नेट कर लेंगे। मैंने इसमें मैदे का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम इसे हेल्दी बनाएंगे, क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो देखिए, अब हमने ये आटा लगाकर रेडी कर लिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसको गैस फ्लेम ऑन करके उसमें हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। और देखिए, उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर को हमें इस तरह से हल्का हल्का इसका कलर चेंज होने तक इसको पका लेना है। और देखिए, अब हम इसे इसमें से निकाल देंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होते ही, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा ही हमें इसका कलर चेंज करना है। अब उसके बाद देखिए, हम उसी सेम पैन में ही 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके, और देखिए हम ये प्याज ऐड कर देंगे इसमें, और ये हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर दीजिए। हम इसको लंबा लंबा कट करके ऐड करेंगे। और देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए आप। और इसको अब हम लो मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। नमक ऐड कर दीजिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसमें मिर्च कम ही डालिएगा क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। इसके बाद हम देखिए, इसमें 2 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे। और मैंने 1/2 छोटी चम्मच इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर ये आपके पास है तो आप इसको डाल दीजिए, वरना इसको आप स्किप कर दीजिए। और देखिए, इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये पनीर भी ऐड कर देंगे। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसको अब हम 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। और देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पका लीजिए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। इसके बाद देखिए, हम सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद हम इसकी एक रोटी बनाएंगे। आप इसकी एक ज़्यादा ना पतली रोटी बनाइए और ना ही ज़्यादा मोटी बनानी है हमें इसकी। एक बड़ी रोटी बनाकर हम इसकी रेडी करेंगे। देखिए, इस साइज़ की हम इसकी एक रोटी बनाएंगे। और इसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे से इस रोटी पर फैला देंगे। और देखिए, इस तरह से इसको मोड़कर हम इसकी, देखिए इस तरह से एक स्ट्रिप सी बना लेंगे। देखिए, इस तरह से आप इसको रोल करते जाइए। और देखिए, अब हम इसकी एक इस तरह से इसको रोल करेंगे। इससे ये बहुत ही लेयर वाला पराठा बनकर रेडी होगा हमारा। और देखिए, आप इसको अब बेल लीजिए और देखिए इसमें कितनी अच्छी लेयर आई है। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपका पराठा भी इसी तरह बनेगा। और देखिए, मैंने ये तवा गरम कर लिया, उस पर हम ये रोटी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून घी से इसको ग्रीस करेंगे, देखिए। और उसके बाद
हम इसको दूसरी साइड से टर्न कर देंगे और दूसरी साइड भी हम घी लगा लेंगे इस पर। और देखिए कितना अच्छा लेयर आई है इस पर। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपका पराठा भी इसी तरह बनेगा। और देखिए हम ये गोल्डन ब्राउन होने तक या फिर अच्छे से पकने तक हम इस पराठे को सेक लेंगे। अब देखिए ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। आप इसी तरह से देखिए इसको प्रेस करते हुए पराठे बना लीजिए। अब देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। इस पर मैंने 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस ऐड कर दी है और 1 टेबल स्पून हम इस पर टमाटो केचप ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम इस पर मेयोनीज ऐड करेंगे। और इसको देखिए इस तरह से अच्छे से इस पराठे पे लगा लेंगे। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चिल्ली सॉस ऐड ना करें, अगर आपके बच्चे कम मिर्च खाते हैं तो। और देखिए इसके बाद हम इसमें ये पनीर वाला मिक्सचर रखेंगे। आप इसको सेंटर में रख दीजिए और देखिए ऊपर से हम इसमें मेयोनीज ऐड कर देंगे। अब ये प्याज कट करके आप ऊपर से डाल दीजिए इस पर। अगर आप इस तरह से फिर प्याज डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और देखिए अब हम इसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। और अब देखिए हम ये टूथपिक से इसको कवर कर देंगे। देखिए बंद कर दीजिए आप इस तरह से इसको। और देखिए रेडी है हमारे पनीर रोल की रेसिपी, जो कि बहुत हेल्दी है और आप अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।